Dear student, myself अनुप कुमार राय फ्रॉम रॉय डिफेंस अकेडमी। आज जो है आपको रेशियो एंड प्रोफेशनल का प्रोफेशन का पार्ट टू पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नोट कीजिए, सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन लिखिए, फाइंड द रेशियो, फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ 3x प्लस वाई अनुपात 5x प्लस 3y। इसका मान निकालो इफ x अनुपात y इज इक्वल टू 4:5। देखिए यहां पर क्या है, x अनुपात y का मतलब होता है x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5। देन फाइंड द वैल्यू 3x प्लस y अनुपात 5x प्लस 3y। तो 3 का मान निकालेंगे, 3 इंटू 4 प्लस 5 अनुपात 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, यानी कि x का मान लगा दिया और y का मान भी बैठा दिया। फिर क्या निकलता है देखो, 12 प्लस 5 अनुपात 20 प्लस 15, यानी कि 17 अनुपात 35। ये इसका आंसर होगा, 17 अनुपात 35। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एक्स अनुपात वाई इज इक्वल टू वाई अनुपात जेड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अनुपात क्या, डुप्लीकेट रेशियो, इसका बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। तो एक्स वाई को हम लिख सकते एक्स बाई वाई इक्वल टू वाई बाई जेड, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। हम इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। वाई स्क्वायर का मान यहां पर है एक्स जेड, एक्स अनुपात जेड। तो आप ये एक्स या डी एक्स कर देंगे तो क्या रहता है, एक्स अनुपात जेड। ये इसके आंसर, उम्मीद है आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू कितना होगा, व्हेन कंडीशन है 2a इज इक्वल टू 2b 3b इक्वल टू 4c। तो ए अनुपात बी अनुपात का सी का मान कितना होगा, अगर 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। यहां पर हमारा ए बी सी का मान निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी। यहां पर जो नियम फॉलो होगा उसको हम बोलेंगे ढक ढक या नियम, मतलब एक को ढाकने से दूसरे का नियम मिल जाएगा। अगर ए का मान निकालना है तो एक को ढाक देंगे और ये दोनों को गुणा करेंगे 3-4 बार। ठीक इसी प्रकार बी का मान निकालना है तो बी को ढाक देंगे, पर ये दोनों a इंटू 4 8, और c को निकालना है तो c को डाल देंगे और ये तीनों ने 6। हम इजी प्रोसेस से इसी का अनुपात निकालेंगे। इसको काटने से क्या होगा, 6 दुगुने 12, 4 दुगुने 8 और 3 दुगुने 6, 6 अनुपात 4 अनुपात
सिक्स अनुपात फोर, ए सिक्स अनुपात फोर इज टू थ्री, ये इसके आंसर है। ओके अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, क्वेश्चन नंबर फोर, ए इज टू या फाइव इज टू सिक्स, फोर अनुपात फाइव कॉमा फाइव सिक्स अनुपात सेवन कॉमा एंड नाइन अनुपात एट, नाइन अनुपात एट, तो इसका मिक्स्ड रेशियो क्या हुआ? इनका मिक्स्ड रेशियो, फाइंड द मिक्स्ड रेशियो, फाइंड द मिक्स्ड रेशियो, मिश्र अनुपात, मिक्स्ड रेशियो निकालना है तो हमें क्या करना है? मिक्स्ड रेशियो निकालने के लिए हमें फोर बाय फाइव इंटू करेंगे सिक्स बाय सेवन इंटू नाइन बाय एट, अगर ये काट जाएगा इससे इससे काटेंगे तो चार दुई, इससे इससे काटेंगे तो तीन, तो ऊपर से होगा तीन ना सत्ताईस और नीचे होगा पांच सात पैंतीस, तो ये उसका मिक्स्ड रेशियो बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिक्स्ड रेशियो, मिक्स्ड रेशियो, इसके क्या होगा मिक्स्ड रेशियो। नेक्स्ट सॉल्व करें, अगला क्वेश्चन है व्हाट नंबर शुड बी सबस्ट्रैक्टेड फ्रॉम, व्हाट नंबर शुड बी सबस्ट्रैक्टेड मतलब कौन नंबर टा माइनस को माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम ट्वेंटी थर्ड कॉमा थर्टी कॉमा फिफ्टी सेवन एंड एंड सेवेंटी एट सो दैट द रिमाइंडर्स आर इन प्रोफेशनल, सो दैट द रिमाइंडर्स आर इन रिमाइंडर्स आर इन प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल सो दैट आर इन प्रोपोर्शनल मतलब इनमें से कौन सा नंबर घटाना है ताकि हम एक प्रोपोर्शनल अनुपात समानुपात में मिलेगा। लेट सॉल्यूशन है, लेट द नंबर इज एक्स, नंबर इज एक्स माना कि नंबर एक्स है तो हम लिखते हैं 23 माइनस एक्स अनुपात 30 माइनस एक्स अनुपात 57 माइनस एक्स और क्या एंड 78 माइनस एक्स, 78 माइनस एक्स ये बोला है प्रोपोर्शनल समानुपात, तो हम इसको समानुपात का सिंबल लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगेंगे समानुपात सिंबल लगेंगे, अगर सिंबल इस पर होगा तो हम इसको लिख सकते हैं एडिंग द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम इस ढंग से लिख सकते हैं। तो अभी फर्स्ट इंटू फोर्थ सेकेंड इंटू थर्ड इसको गुणा करेंगे, हमारे ऐसे लिखते हैं तो क्या लिखेंगे और 23 माइनस एक्स अनुपात या इंटू 30 माइनस 23 माइनस एक्स और बाय हम इसको ऐसी इसको भाग के हिसाब से भी लिख सकते हैं फर्स्ट इंटू फोर्थ बा गुना हिसाब लिखेंगे इंटू 78 माइनस एक्स अनुपात अनुपात सेकंड 30 माइनस एक्स इंटू 30 माइनस एक्स इंटू 57 माइनस एक्स, इसको हम अनुपात को हम इस ढंग से क्या हम इस फर्स्ट इंटू फोर्थ इसके साथ इसका गुणा करेंगे और सेकेंड इंटू थर्ड फॉर्मूला में है पहले चैप्टर में दिखाया था उसके मुताबिक करेंगे हम। अभी इसको गुणा करने से क्या होगा और
23 इंटू 78 माइनस 23 के साथ ये दोनों गुणा करेंगे 23x माइनस 78x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम क्या करेंगे 30 इंटू 57 माइनस 30x माइनस 57x माइनस एक्स स्क्वायर यहां तक कैलकुलेशन करेंगे तो अभी माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर है तो हमें ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कर देगा इधर क्या होगा और 23 इंटू 78 23 को हम 78 से गुणा करेंगे 23 को 78 में गुणा करने से 1794 होता है क्या होता है 1794 ये दोनों गुणा करने से 94 होता है माइनस ये दोनों जोड़ने से होता है 104 आठ तीन ग्यारह एक हत्ते क्या आठ दो दस एक्स इक्वल टू ये दोनों गुणा करेंगे तो जो 321 एक और बैलेंस दो तीन पैसा पंद्रह सत्रह सौ दस माइनस ये दोनों जोड़ने से है सेवन और ये एट 87x माइनस 87x और बस ये डाल देता है माइनस 87x ओके तो आगे क्या है ये वाला सॉन्ग का इधर आएंगे तो और 1794 माइनस 1710 इक्वल टू माइनस 87x प्लस 101x इसको करेंगे तो क्या होगा इसके साथ इसको माइनस करने से 41794 के साथ 1710 माइनस करने से होता है 484 यहां होता है 84 और इधर होता है माइनस करने 101 के साथ माइनस 87 करेंगे तो सात ग्यारह चार ग्यारह हत्या गया नौ नौ के दस 14 होगा तो हम लिख सकते हैं 14x इक्वल टू 84 ये इसके साथ इसको काटेंगे तो 6 होगा और तो x इक्वल टू 6 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मैन क्या है x तो यानी कि x अगर माइनस रिमाइंडर माइनस घटाते हैं तो हर बार हमारा क्या होता है तो नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड तो कौन सी संख्या घटाना पड़ेगा x को घटाना पड़ेगा सिक्स को सिक्स छह नंबर एक नंबर है सिक्स नंबर सिक्स को माइनस करना पड़ेगा सबस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा माइनस करेगा तो आंसर होगा 6 ओके अगला क्वेश्चन अभी थोड़ा लेंदी था क्वेश्चन को जिसके लिए थोड़ा सा टाइम लग गया अभी दोबारा जब प्रैक्टिस करेंगे आप खुद ही उसको सीख जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो बिटवीन क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर अभी इस क्वेश्चन में एक ही गोत्र होना चाहिए यानी कि यहां सेंटीमीटर है तो इधर भी सेंटीमीटर होना चाहिए अब 50 सेंटीमीटर अनुपात 4 मीटर 4 मीटर बराबर है 4 मीटर इक्वल टू 400 सेंटीमीटर तो 400 सेंटीमीटर तो हम लिख सकते हैं 50 ये सेंटीमीटर अनुपात में कभी से इकाई नहीं होता 50 अनुपात 400 ये काट जाएगा इसके साथ इसको काट देंगे तो 5 8 44 8 होगा यानी कि हम लिख सकते हैं 1:8 तो इसकी अनुपात है 1:8 नेक्स्ट क्वेश्चन
इफ द 900 डिवाइडेड, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इफ 9000 इज, इसको मिटा दे, क्वेश्चन इफ 9000 रुपीज, नाइन थाउजेंड डिवाइडेड अमंग द अमंग थ्री वर्कर्स, डिवाइडेड अमंग थ्री वर्कर्स इन द रेशियो one by three, one by four, one by six, respectively. Then what is the ratio of third worker? तीसरा वर्कर का अनुपात कितना था, मतलब अमाउंट कितना था? अगर इतना अमाउंट तीन वर्कर में भाग दिया जाए तो जो थर्ड नंबर वर्कर है उसको कितना मिला है, सीधी सी भाषा में. तो हम क्या करेंगे, दो वर्क द रेशियो ऑफ थ्री वर्कर, तीन रेशियो क्या क्या है, 1:3, 1:4, 1:6. हमने क्या करना है, इसको 1 में है ना, और अनुपात में बड़ पूर्ण संख्या में करना. अगर ये तीन चार छः का और एलसीएम कर लेंगे, 3 4 6 का एलसीएम होगा, 6 को गुना करेंगे 2 से 6 दूना 12 जो है इससे भी कटेंगे इससे कटेगा, यानी कि एलसीएम 12, तो 1:3 × 12 अनुपात 1:4 × 12 अनुपात 1:6 × 12. ये काटेंगे तो 4, ये काट देंगे तो 3, और इसके साथ ये करें 2, यानी कि 4:3:2. हम इस तरह की जब बांटेंगे, सबसे पहले अनुपात का जोग करेंगे, एडिंग अनुपात का जोग जो है, रेशियो को एड रेशियो जोग करेंगे तो 4+3+7, 4+3+2 यानी कि 5 × 9. तो टोटल अमाउंट में से जैसे 9000 रुपए, तो थर्ड वर्कर का रेशियो कितना, थर्ड वर्कर का है ना अमाउंट रुपीज, जो 9000 रुपया है उसको 9 से भाग करेंगे, और तीसरा वाला अमाउंट कितना, 2, यानी कि 9000 रुपया हो जाता है, यानी कि 2000 रुपीज इसका आंसर. इसको कितना मिला, 2000. थर्ड वर्कर का अनुपात कितना है, 2000. कितना मिला उसको, 2000 रुपए मिला, ये इसके आंसर है. तो और भी सारे सवाल है, हम नेक्स्ट जो चैप्टर कराएंगे पार्ट थ्री, ये है पार्ट टू, पार्ट थ्री में जब पढ़ाएंगे और भी ढेर सारे सवाल कराएंगे. Thank you and have a nice day.